गाइज हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम ब्लॉक्स। ये 320 स्क्वायर यार्ड है 4 BHK। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं बताना चाहूंगा आपको कि सामने का ये वाला दो बेडरूम हो गया, ये हो गया आपको किचन एरिया और ये हो गया थर्ड बेडरूम और यहाँ पे एक रूम बनेगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये आपको ईस्ट फेसिंग है, ये मैं बताना चाहूंगा आपको जो फेसिंग है इस प्रॉपर्टी का, ये ईस्ट फेसिंग है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द फर्स्ट बेडरूम। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें भी फ्लोर्स में इटालियन मार्बल लगी हुई है, जो कि आप देख सकते हो पूरी फ्लोर्स में इटालियन मार्बल लगी हुई है इसमें। यहाँ आपको बस घसाई होना बस बचा हुआ है अभी, और इसमें फॉल सीलिंग का भी प्रोविजन आपको पूरा मिल रहा है इसमें। और यहाँ पे आपको स्लाइडर डोर्स भी मिल रही है, जो कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये इसमें इस रूम में अटैच वार्ड्रोब है, स्लाइडर ये वार्ड्रोब है। मैं एक बड़ी आपको दिखाना चाहूंगा इसका साइज कितनी बड़ी है ये। ये आप इसको देख सकते हो जो इसका साइज है, ये काफी बड़ा साइज है, जो कि आप देख सकते हो ये, जो कि आप ये देख सकते हो साइज काफी बड़ा है। इसमें एसी का भी प्रोविजन आपको मिल रहा है, और ये स्लाइडर है जो कि इधर से बंद भी हो जाएगा। और इससे अटैच ये वॉशरूम है, जो कि इसमें आप देख सकते हो फ्लोर्स में सारे में टाइल्स की काम करी गई है। वैनिटी मिल रही है सामने में, ये वॉश बेसिन एरिया हो गया, नीचे वैनिटी हो गया, यहाँ पे कमोड आ जाएगी, सारे फिटिंग्स जैगवार के आएंगे इसमें। और ये हो गया शावर एरिया, शावर एरिया भी देख सकते हो आप, यहाँ पे ग्लास आ जाएगी, यहाँ पे शावर का पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ शावर लग जाएगा, जो कि आप देख सकते हो। मूविंग ऑन टू दी फ्रंट बैल्कनी, जो कि इसका ये बैल्कनी है फ्रंट, जो कि मैं दिखाना चाहूंगा आपको। इसमें सारे में मार्बल का काम करा गया है बैल्कनी में, जो कि आप देख सकते हो पूरे मार्बल का काम करा गया है इसमें। यहाँ एसी की प्रोविजन मिल रहा है आपको, यहाँ इसका रेलिंग है, लोहे की ये रेलिंग है, जो कि आप देख सकते हो ये। और ये सामने का व्यू हो गया, व्यू भी काफी अच्छा है, ये पालम विहार जे ब्लॉक का है। मूविंग ऑन टू दी सेकेंड बेडरूम, ये सेकेंड बेडरूम हो गया इसका, जो मैं दिखाना चाहूंगा। इसमें भी टाइल्स का काम करा गया है, फ्लोर टाइल्स लगी हुई पूरी। ये इसका दूसरा बेडरूम हो गया, यहाँ पे स्लाइडर डोर्स लगी हुई है, एक आपको इसमें नेटेड डोर है, एक जाली का डोर है, और इसमें ग्लास डोर है। ये फॉल सीलिंग का प्रोविजन आपको मिल रहा है इसमें, एसी के प्रोविजन भी आपको मिल रहा है इसमें। इसमें आपको स्लाइडर डोर्स मिल रही है, जो कि मैं दिखाना चाहूंगा कि इसका साइज काफी बड़ा है। ये साइज दिखाना चाहूंगा कि इस वार्डरोब का जो साइज है काफी बड़ा है। और ये थोड़ी स्लाइडर वार्डरोब है, जो कि आप ये देख सकते हो, इससे अटैच ये यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया हो गया, जो कि आप देख सकते हो ये पूरा काम करा गया है इसमें, वुडन वर्क पूरा करा गया है इसमें। और इससे अटैच ये वॉशरूम है, जो कि इसमें भी टाइल्स का काम करा गया है प्रॉपर फ्लोर टाइल्स का। और यहाँ पे कमोड एरिया आ जाएगी, यहाँ पे वॉश बेसिन, और वो एरिया हो गया सर्वर एरिया, वहां पे पार्टीशन आ जाएगी। ये हो गया वॉशरूम सेकेंड बेडरूम से अटैच्ड। यहाँ वैनिटी भी आपको मिल रही है इसमें, मार्बल टॉप मिल रही है इसमें आपको, यहाँ पे बाउल शेप में आ जाएगी, फिटिंग सारे जैगवार के रहेंगे इसमें।
मूविंग ऑन टू दी सेकेंड बेडरूम अटैच्ड बालकनी, फ्रंट बालकनी, ये से अटैच्ड है बालकनी। इसमें भी आप देख सकते हो पूरी में मार्बल का काम करा गया फ्लोर्स में। इसमें रेलिंग जो है यहाँ पे लोहे की काम करेगी इसमें प्रॉपर, और इससे अटैच ये यहाँ पे आपको एसी के प्रोविजन भी मिल रहे हैं सारा कुछ। ये इसका लुक हो गया फ्रंट का, जो कि आप देख सकते हैं। मूविंग ऑन टू दी वार्डरोब का डिजाइन भी काफी अच्छा है इसका, जो कि आप देख सकते हो। मूविंग ऑन टू दी थर्ड बेडरूम, ये इसका थर्ड बेडरूम हो गया जो कि आप देख सकते हो। इसमें भी मार्बल का काम करा गया है फ्लोर में, इटालियन मार्बल लगी हुई है प्रॉपर। रूम का साइज भी काफी बड़ा है, फॉल सीलिंग का प्रोविजन आपको सारा कुछ मिल रहा है इसमें जो कि आप देख सकते हो। और इससे अटैच्ड ये वॉशरूम है जो मैं दिखाना चाहूंगा आपको, काफी बड़े साइज की वॉशरूम है। इसमें टाइल्स का काम करा गया है, फ्लोर टाइल्स। ये आपको शावर एरिया हो गया पूरा प्रॉपर, और यहाँ पे वॉल माउंटेन कमोट आ जाएगी, सारी फिटिंग जैगवार कराएंगे इसमें। और यहाँ पे ये वॉश बेसिन आज एरिया हो गया, यहाँ पे वैनिटी भी आपको मिल रही है इसमें। फिटिंग सारे जैगवार कराएंगे इसमें। एक बार मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये ड्रॉअर्स हैं सारे बने हुए, काफी स्पेशियस हैं सारे ड्रॉअर्स, सारे सॉफ्ट क्लोज हैं, जितने भी ड्रॉअर्स हैं सारे सॉफ्ट क्लोज हैं। एक बड़ी मैं फिर से पूरा एक बड़ी मैं आपको इसका वॉक अराउंड करवाता हूँ। यहाँ पे आपको विंडो के प्रोविजन मिल रहा है प्रॉपर, लाइट प्रॉपर एयर भी आपको आएगी इसमें, काफी बड़े साइज की विंडो है। और यहाँ पे आपको स्लाइडर डोर्स मिल रहे हैं, वार्डरोब काफी बड़े साइज के हैं। एक बड़ी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि साइज काफी इसका ह्यूज साइज है, कोई छोटा वार्डरोब नहीं है ये, इवन आप देख सकते हो काफी बड़े साइज की वार्डरोब है। तो मैं ड्रॉर्स दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ड्रॉर्स का साइज कितना बड़ा है, काफी बड़े साइज का ड्रॉर्स है, सारे सॉफ्ट क्लोज है। यहाँ पे छोटा सा ये भी दिया गया है इसमें लॉकर टाइप का, ये इससे अटैच्ड ये एक सेकेंड वार्डरोब भी है इसके साथ, जो कि मैं दिखाना चाहूंगा आपको। ये आप देखिए इसके साथ एक सेकेंड वार्डरोब भी है, ये भी काफी स्पेसियस है, काफी बड़े साइज का है, ऊपर तक इंटैक्ट है, सारे ये सॉफ्ट क्लोज है। और यहाँ पे कुछ वैनिटी, यहाँ पे कुछ ड्रेसिंग एरिया हो गया ये, जो कि आप देख सकते हैं इसमें पूरे में वुडन का काम करा गया है ऊपर तक। और इधर भी जो है कुछ वुडन का काम, इसमें भी काम करा गया ऊपर तक। और ये इसका बैक साइड बालकनी हो गया, जो भी मैं अभी जा नहीं सकता, मैं उधर से दिखाता हूँ आपको। अभी कुछ इन्होंने सब कुछ रखा हुआ, मलबा रखा हुआ है, तो मैं खोल नहीं सकता उसको, बट मैं ट्राई करता हूँ कि आपको दिखाने का उस साइड से। मूविंग ऑन टू दी
किचन एरिया, ये इसका किचन एरिया हो गया जो कि आप देख सकते हो। डिजाइन काफी अच्छा है किचन का। फ्लोर्स में इटालियन मार्बल लगी हुई है प्रॉपर। यहाँ फ्रिज का स्पेस छोड़ा गया है। फॉल सीलिंग का प्रोविजन मिल रहा है आपको इसमें। एक बार मैं दिखाता हूँ आपको सारे, इसमें सारे कटलरी के लिए बने हुए हैं सब कुछ इसमें। नीचे में भी सारे कुछ बने हुए हैं स्पेस रखने के लिए। काफी स्पेसियस है, सारे सॉफ्ट क्लोज है। ये काफी बड़े साइज का है। अभी हम दिखाना चाहूंगा ये वाला, ये हाइड्रोलिक है जो कि आप देख सकते हो। ये हाइड्रोलिक काफी स्पेसियस है भी और काफी सॉफ्ट क्लोज है। ये भी काफी स्पेसियस है। ये इसका पैंट्री एरिया हो गया जो कि आप देख सकते हो। आप काफी बड़े साइज का ये पैंट्री एरिया। और ये कुछ कुछ रखने के लिए इन्होंने बना के दिया हुआ यहाँ पे। ये भी काफी स्पेसियस है जो कि देख सकते हो आप। यहाँ पे ड्यूल सिंक का प्रोविजन आपको मिल रहा है। फिटिंग सारे जैगवार के रहेंगे इसमें जो कि देख सकते हो। यहाँ पे अवन के लिए स्पेस छोड़ा गया है, यहाँ अवन आ जाएगी। और ये भी काफी स्पेसियस है। वहां पे वायर का प्रोविजन, यहाँ स्विच का भी प्रोविजन छोड़ा गया प्रोविजन। और ये जो स्पेस है, ये फ्रिज का स्पेस है। काफी बड़ा स्पेस छोड़ा गया इसमें। और यहाँ पे चिमनी का प्रोविजन आ जाएगा, यहाँ चिमनी लग जाएगी। और यहाँ से पाइप डाला गया है, वो हाइड है, पाइप उधर ही रहेगी यहाँ पे और वहां तक, वहां से निकल जाएगी वहां। और इसमें भी किचन में भी विंडो का प्रोविजन दिया गया है। और यहाँ पे झॉस लग जाएगी, यहाँ पे विंडो का प्रोविजन ही है। इसका डोर्स हो गया, फ्रंट बालकनी वही सेम है। मतलब फर्स्ट बेडरूम, सेकंड बेडरूम और फर्स्ट बेडरूम सेकंड बेडरूम वो भी एक्सेस कर सकते हो फ्रंट बालकनी से। और किचन का भी एक्सेस आप फ्रंट बालकनी से कर सकते हो। अब ये डोर लॉक्ड है तो मैं अभी खोल नहीं सकता हूँ इसको, बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। और ये हो गया इसका लॉबी एरिया। इसमें भी फॉल सीलिंग का प्रोविजन दिया हुआ सारा कुछ। और फ्लोर्स में इसमें पूरी में इटालियन मार्बल का काम करा गया है जो कि मैं बताना चाहूंगा आपको। पूरे में इटालियन मार्बल का काम करा गया है और साइज काफी बड़ा है हॉल इसका, हॉल का जो कि आप देख सकते हो। काफी बड़े साइज का ये हॉल है। पूरे में फॉल सीलिंग का प्रोविजन दिया गया है और फ्लोर्स में इटालियन मार्बल का काम करा गया इसमें। वहां भी एसी का प्रोविजन है, एक यहाँ लग जाएगी एसी और एक यहाँ लग जाएगी एसी। दो एसी का प्रोविजन हॉल में दिया गया है। मूविंग ऑन टू द फोर्थ बेडरूम, ये इसका फोर्थ बेडरूम है जो कि आप देख सकते हो। यहाँ बनेगी ये रूम, एमसीडी से परमिशन इन्होंने जैसे आपको ले लिया है, बस इसमें कंस्ट्रक्शन होना बाकी है। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ और मैं आपको एक बार दिखाता हूँ बैक साइड बालकनी जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको कि ये थर्ड बेडरूम का, जो कि वहां पे मलबा रखा हुआ था तो मैं दिखा नहीं पाया था उस साइड से, चूंकि डोर खोल नहीं सकता था। मैं इधर से दिखा रहा हूँ आपको। ये साइज हो गया बालकनी का। यहाँ पे रेलिंग पूरी आ जाएगी, ये रेलिंग यहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगी, पूरी वहां तक एक्सटेंड होगी, ये रेलिंग वहां तक एक्सटेंड हो जाएगी और ये रूम बन जाएगा। और ये जो एरिया है, ये इसका वॉशरूम एरिया हो गया जो कि आप देख सकते हो। और ये बैक साइड व्यू हो गया, ये भी आप देख लो, अच्छा व्यू है। पूरी कोठियां बनी हुई यहाँ पे, व्यू भी, लोकेशन भी काफी अच्छा है, पालम विहार जे ब्लॉक का।
तो फ्रेंड्स ये था पालम विहार जे ब्लॉक का अप्रॉक्स में बोल रहा हूँ 320 स्क्वायर, बट ये 300